विद पीएस पर यार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र परछाई भी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचना है सीएम योगी के बयान की, 60,000 नियुक्तियां जल्द होंगी, नए मेडिकल कॉलेजों में 1,00,000 हर साल सरकारी नौकरियां देंगे। योगी बोले, 5 साल में काफी कम हुई बेरोजगारी दर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार यूपी में हर साल 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देगी, जबकि 12 से 15 लाख को सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाएगी। पिछले 6 साल में हम 6,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इन्हीं प्रयासों से यूपी में अब बेरोजगारी दर कम होकर 3 से 4% आ गई है। 2017 में यह 19% थी। योगी ने ये बातें शनिवार को SGPGI में नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। एक अन्य समाचार पत्र में मृत्युओं का ब्यौरा भी दिया हुआ है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और लिखा है कि 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य लोक सेवा आयोग से 4,527 पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी SSSC से 20,060 पदों पर भर्तियां होंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 958 पदों पर भर्तियां होंगी। चयन बोर्ड के गठन के बाद जो नया आयोग बनना है 4,795 भर्तियां होंगी और विद्युत सेवा आयोग यानी यूपी पिस्टल इत्यादि से 255 पदों पर भर्ती होंगी और पुलिस विभाग से 41,028 पदों पर भर्तियां होंगी। बार बार यही आंकड़े समाचार पत्रों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं जबकि सभी को पता है कि वास्तविकता कुछ और है। अगली जो सूचना है वो है परिचालक भर्ती की, 165 परिचालकों की होगी भर्ती, शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम प्रयागराज में आउटसोर्सिंग पर 165 पदों पर परिचालकों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन sevayojan.up.nic.in पर किए जा सकते हैं। पदों का विवरण देखा हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जून की सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 15 जून की शाम 5 बजे तक होगा। आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जो नए छात्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगली जो सूचना है वो योगी सरकार ने निरस्त किए 5 साल के यातायात चालान। यूपी सरकार ने दिया लाखों वाहन स्वामियों को बड़ा उपहार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश निजी व कमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ा उपहार दे दिया है। प्रदेश में जिन वाहनों का चालान 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच हुआ था उन्हें अब जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार ने 5 साल के सभी चालान निरस्त कर दिए हैं। इस निर्णय का लाभ प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को मिलेगा। इतना ही नहीं, जिन वाहनों के अलग अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए या फिर प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उन सभी वाहन मालिकों को भुगतान नहीं करना होगा। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में खत्म किए गए वादों की सूची प्राप्त करके इन चालानों को ई चालान पोर्टल से भी हटा दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में निर्देश भेजा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। अच्छी बात है। और अगली जो सूचना है वो UP SSSC की वैकेंसी की, यह समाचार पत्रों के माध्यम से आज फिर से UP SSSC की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई। आप लोगों को पता ही है एक्सेल टेक्नीशियन भर्ती का विज्ञापन UP SSSC ने जारी किया है 282 पदों पर। और वही सूचना है यहाँ पर, 18 से 40 साल की आयु उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सी टेक्नीशियन में डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए और वेतनमान वगैरह लिखा है, पीटी के बारे में लिखा हुआ है। पीटी पास विद्यार्थी ही इसमें आवेदन करें। आवेदन की जो तिथि है वो 15 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में विद्यार्थियों को आवेदन करना है। मेडिकल कॉलेजों में 15 तक भरे जाएंगे परीक्षा फार्म। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध BAMS, BUMS और पैरा मेडिकल महाविद्यालयों में संचालन पाठ्यक्रम में प्रवेशित परीक्षार्थियों की सप्लीमेंट्री व रेगुलर परीक्षा फॉर्म 15 जून तक भरे जाएंगे। वहीं पर इसी माह पूरी हो जाएगी PhD की प्रवेश प्रक्रिया। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में इसी माह PhD की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए इंटरव्यू 8 जून को समाप्त हो चुके हैं। विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों में पहली बार PhD की पढ़ाई होगी। 24 विषयों में PhD की 535 सीटों पर प्रवेश होने हैं। प्रवेश के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 1887 परीक्षार्थी शामिल हुए। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। FIR के 5 साल बाद भी नहीं पकड़े जा सके आरोपी। PCS 2015 में धांधली के मामले में CBI ने दर्ज किया था मुकदमा। नकल माफिया से लेकर के आयोग के अज्ञात अफसरों तक भूमिका रही संदिग्ध। PCS परीक्षा 2015 न केवल पेपर आउट होने के मामले में चर्चा में रही बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू होने के बाद CBI ने PCS 2015 में हुई धांधली के मामले में पहला मुकदमा भी दर्ज किया। यह FIR आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। FIR के 5 साल बाद भी आरोपी पकड़ से बाहर है और CBI ने
बयान दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पीसीएस 2015 में धांधली को लेकर के सीबीआई ने 5 मई 2018 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान सीबीआई को इस परीक्षा में धांधली के कई अहम सुराग मिले थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में इसका जिक्र भी किया था। एफआईआर में लिखा था, मुख्य परीक्षा में मॉडरेशन की आड़ में कई अयोग्य अभ्यर्थियों को अधिक नंबर देकर के चयनित कर लिया गया और बहुत से योग्य अभ्यर्थियों के नंबर घटा करके उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया गया। मॉडरेशन मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषयों में होता है। पीसीएस 2015 में अनिवार्य विषय समान हिंदी में मॉडरेशन के नाम पर कुछ योग्य अभ्यर्थियों को 20 नंबर तक घटा दिए और कुछ अभ्यर्थियों को 28 नंबर तक बुलाकर के चयन कराया गया। लिखा कि सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि जिस इस तरह से किया गया मॉडरेशन पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना और फ्रॉड है। लिखा हुआ है कि सिर्फ यही नहीं, सीबीआई ने पीसीएस 2015 की कापियों में जांच के दौरान एक गंभीर मामला पकड़ा था। कई अभ्यर्थियों की कापियों पर विशेष प्रकार के चिन्ह मिले थे जिन्हें डिकोड करके अभ्यर्थियों की पहचान आसानी से की जा सकती थी। खास यह कि आयोग के परीक्षकों ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और न ही अफसरों ने इस पर कोई भी ध्यान दिया। तो विद्यार्थियों को बहुत उम्मीद थी भाजपा सरकार से कि शायद भाजपा की सरकार बनवा दी जाए तो लोक सेवा आयोग की जो बहुत सारी भर्तियां लगभग 499 भर्तियों की जांच हो रही है, कुछ तथ्य निकले और विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं चोर चोर मौसेरी भाई, बस वही बात निकल करके आई कि यहाँ पर केवल राजनीति हुई और भाजपा ने इसका केवल राजनीतिक लाभ लिया। सलेरी के कैंप कार्यालय में मैंने खुद एप्लीकेशन दिया था जो सीबीआई का कार्यालय था। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगली सूचना है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की। लिखा, सीधी भर्ती के लिए अब दोबारा जारी होगी निविदा। उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा एजेंसी आना ही नहीं चाहती है। लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में 2430 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कार्य में कंपनियां रुचि नहीं दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120, सहायक परिचालक के 1374 पदों और प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती भरे जाने के लिए ओपन टेंडर संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित की थी, लेकिन केवल एक ही कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। फिर से आवेदन मांगे गए परीक्षा एजेंसियों को लेकर के 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इसके बाद में भर्ती की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। मेडिकल यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए देश में अब कॉमन काउंसलिंग होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए नियमों में नीट यूजी की मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब जुलाई में होगी। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 10 से बढ़ाकर के 15 जून हर 4-5 दिन में इसकी डेट बढ़ाई जाती है। 5-5 दिन पहले 5, फिर 10, अब 15 जून कर दी गई है लास्ट डेट। पहले पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 20 से 30 जून के बीच में होनी थी, अब ये जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के महीने में होंगी। बाबा दौलतगिरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिनगर दुगावा लखनऊ से भर्ती निकली आई है और ये संस्कृत विद्यालय है, लेकिन पद जो है वो अंग्रेजी अध्यापक का है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मानदेय संहिता के आधार पर यह भर्ती होनी। लखनऊ विश्वविद्यालय बीटेक बीएससी एमए का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लोक सेवा आयोग चिकित्सा अधिकारी के लिए साक्षात्कार 20 जून से होंगे, इसके लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। लिखा है कि आयुष विभाग के तहत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 611 पदों पर साक्षात्कार 20 जून से शुरू किए जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।